जी हाँ, तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि किस तरीके का नसीब होने वाला है चार राशि के जातकों का मार्च के इस पूरे महीने में। क्या कहते हैं इनके सितारे, ये तमाम बातें आज अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता दें, इन चार राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई महीना शुभ है 2020 का, तो वो है मार्च का ये पावन महीना। होली के दिन आपको बताते हैं किस तरीके से चार राशि के जातकों के लिए मार्च का ये पूरा महीना बेहद ही ज्यादा शुभ है। जी हाँ, आपको बताते हैं चार राशि हैं मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह राशि। जी हाँ, कुछ लोग सोच सकते हैं कि आपके लिए एक नया जीवन शुरू होने वाला है, क्योंकि मार्च का ये महीना आपके लिए बेहद ही ज्यादा पावन, बेहद ही ज्यादा शुभ होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर एक खास बात बता दें कि आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है, नहीं तो आपको पूरा नुकसान यहाँ पर होने के संकेत बने हुए हैं। हर चीज को परख कर, सोच समझ कर, बड़ों से सलाह लेकर आपको कोई भी डिसीजन लेना है। लेकिन आपको ये बता दें, मार्च के इस पूरे महीने में आपकी किस्मत आपके साथ इस कदर बनी रहेगी कि आप जिस कार्य में भी हाथ लगाएंगे वो कार्य आपका पूरा होता नजर आएगा। जो लोग इन चार राशि के जो भी जातक नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं या कोई भी नया कार्य करने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय ये महीना बेहद ही ज्यादा शुभ बना हुआ है। तो आप बिना सोचे समझे अपना कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये महीना बेहद ही ज्यादा शुभ बना हुआ है। यानी कि चार राशि के ये जातक मिथुन, तुला, कुंभ और सिंह इस महीने ऐशो आराम के साथ जो भी कार्य करेंगे उसमें उन्हें जीवन भर के लिए सफलता मिलती चली जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।